Hello guys, good afternoon. Today I am teaching about class 10's 50 questions objective political science. आज मैं class 10th का objective question कराने जा रहा हूँ political science का, जो कि most important है. मैं पहला question आप लोगों को करा रहा हूं. डरबन में नस्ल भेद विरोधी सम्मेलन कब हुआ था? 2001 में. ये क्वेश्चन जब मैं 10th में था तब इसे सिलेक्टेड किया था, आज आप लोग को बता रहा हूं. और आइए आपका पहला क्वेश्चन पे. अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने के अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया? बेल्जियम. इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज. अमेरिका में अश्वेत शक्ति आंदोलन अग्र रूप से कब आया? 1966. किस देश में धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतान करना पड़ा? यूगोस्लाविया. कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई? बेल्जियम में. व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे? जब एक रंगभेद की नीति जब प्रारंभ किया गया था तो उस समय जेड गुड्डी लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी थे. जेड गुड्डी. आपका आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं था? जेड गुड्डी. ये तो आपको पहले बता चुके हैं. पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुई? राजस्थान. भारत संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया? जम्मू कश्मीर. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा कौन करता? सर्वोच्च न्यायालय. संघर्षीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च किसके पास होती है? केंद्र सरकार. पंचायती राज प्रणाली की विविध समिति की शुरू किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति के अनुसंता कब हुई? 2 अक्टूबर 1959. बलवंत राय मेहता समिति राजस्थान के किस जिले से हुई? नागौर. आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, अधूरा नहीं छोड़िए. अगर आपको समझ में आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. भारतीय संसद ने संविधान संशोधन कब दिया? 1992. सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? बेल्जियम. भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1970 के दशक से. राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन. किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? राजनीतिक दल को. सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में बना था. सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से. पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता थे? नेपाल के. किस देश के राष्ट्रवादी नेता आंग सांग सुकी को 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा था? म्यांमार. वर्मा.
किस देश में जबरदस्त पिनोस की सरकार चुनाव में हार गई? चिली। डवकारणा योजना कब शुरुआत हुआ? 1982। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स। श्रीलंका में किस भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक माने जाते हैं? तमिल। सत्ता में भागीदारी के माध्यम में किस सरकार को अपनी सहमति देती है? यूरोप। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में देशों राज्यों की संख्या कितनी थी? 565। वीडियो बहुत लंबा हो जाने के कारण मैं बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए आप लोग ध्यान से इसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। भारतीय संविधान में किस किया गया 73वां संशोधन संबंधित है? पंचायती राज से। पंचायती राज से। उसके बाद आइए, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है? कहाँ से किया गया था? उत्तराखंड से। अब आइए यहाँ पर, किस संगठन ने बिजली का दरें कम करने के लिए मेरठ में प्रयत्न किया? भारतीय किसान यूनियन ने। वर्तमान में म्यांमार में किसके नेतृत्व में लोकतंत्र की वापसी का संघर्ष चल रहा है? आंग सांग सूची। देश में आपातकाल की घोषणा कब हुई? 1975 में। जनता पार्टी की सरकार बनना कब से प्रारंभ हुआ? जनता पार्टी की सरकार बनना कब से प्रारंभ हुआ? तो 1977। बहुजन पार्टी का संस्थापक कौन है? काशीराम। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी का गठन किया गया? मोरारजी देसाई। भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रथम बार कांग्रेसी सरकार बनी? मोरारजी देसाई। यहाँ पे गलती लिख दिए हम, यहाँ पे होगा मोरारजी देसाई।